हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्पॉट गुरु जी में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच है बंगाल और राजस्थान के बीच का मैच, जो कल सुबह 9 बजे स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा, जहाँ पर अभी तक तो बारिश कोई आशंका नहीं है। आपको पूरे पूरे 50 ओवर के मैच खेलते ये दिखाई देने वाले हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाइए, रॉयल स्पोर्ट गुरु सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर से हमारा चैनल दिख जाएगा, आप वहाँ से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं, चाहे वो टॉस से पहले हो टॉस के बाद हो। वहीं अगर आप ड्रीम को छोड़ किसी ऐसी फैंटेसी साइट को ट्राई करना चाहते हैं जहां पर जो कंपटीशन है काफ़ी कम हो लेकिन जो इंटरफेस पॉइंट सिस्टम हो सेम ड्रीम की तरह ही हो, तो आप यहां से माई फैब ट्राई कर सकते हैं, जो काफ़ी से फैंटेसी साइट है और लगातार हमारी अच्छी खासी वहां पर विनिंग हो रही है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, साथ ही आप रेफर कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको 50 रुपीज़ का साइनअप बोनस मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप इन दोनों ही टीमों का लास्ट मैच समरी देखोगे तो यहाँ से जो बंगाल अपना जो पिछला मैच तमिलनाडु से हार कर आए हैं, जहां पर इस अहमद के 107 थे, दीप के 9 2 विकेट और अशोक दिंदा ने 8 और 2 विकेट निकाले थे। वहीं अगर आप राजस्थान का पिछला मैच देखोगे तो राजस्थान अपना जो पिछला मैच गुजरात से खेल कर आए हैं, जहां पर गुजरात ने राजस्थान को 7 विकेटों से हरा दिया था, जिसमें एम सिंह के 35 थे, इस्लाम के 24 थे, खलील अहमद के 1 विकेट थे और यहाँ से राहुल चहर के 1 विकेट थे। अगर आप यहाँ से इन दोनों टीमों का लास्ट मैच हैट्रिक एनकाउंटर देखोगे, जहाँ पर बंगाल ने राजस्थान को 6 विकेटों से हरा दिया था, जिसमें राजस्थान की तरफ एम लोमरोर के 89 थे, एम सिंह के 31 थे, दीपक चहर के 2 विकेट थे और राहुल चहर ने 1 विकेट लिए थे। आज की इस मैच आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले ग्रैंड लीग के लिए एम लोमरोर का, आप इनको बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा। वहीं अगर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो आप यहां से एम तिवारी के साथ भी जा सकते हैं ग्रैंड लीग एज कैप्टन और वाइस कैप्टन। बाकी सोलह मैच एम तिवारी ने 956 बनाए थे, मजुमदार के 936 थे, पोरेल के 4 विकेट थे और यहाँ से शहबाज अहमद के 2 विकेट थे। वहीं अगर आप यहाँ से एक और हैट्रिक देखोगे, जहाँ पर बंगाल ने राजस्थान को 2 विकेटों से हरा दिया था, जिसमें राहुल चहर के 3 विकेट थे और एम लोमरोर ने 18 रन बनाए थे। वहीं बंगाल की तरफ से चटर्जी के 85 नाबाद थे, ईश्वरना के 89 थे और आई पोरेल ने 1 विकेट निकाले थे। यहाँ से आते हैं हम अपने चैनल के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि 5-स्टार प्लेयर को लेकर है, कौन से 5-5 प्लेयर है दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अभी तक अच्छा किया हुआ है और आज की इस मैच में आपको अच्छा करके दे सकते हैं। उसमें बंगाल की तरफ से गोस्वामी है, रमन है, तिवारी है, डिंडा है और यहाँ से शहबाज अहमद है। वहीं अगर आप राजस्थान की तरफ से देखोगे तो राजस्थान की तरफ से लोमरोर है, चहर है, तेजेंद्र सिंह है, बिस्त हैं और खलील अहमद हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन 10 में से करीब 9 प्लेयर आज की इस मैच में आपकी स्मॉल लीग टीम में जरूर हो। वहीं अगर आप इन दोनों ही टीमों का पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको राजस्थान की तरफ से महेंद्र सिंह और यहाँ से 20 तो ओपन कर दिखाई देने वाले हैं। बाकी सलमान खान है, लोमरोर है, मनेरिया है, गुप्ता है, तेजिंदर सिंह है, चहर है, राहुल चहर है, चौधरी हैं और खलील अहमद हैं। यही मेरी से पॉसिबल रहने वाला आज की इस मैच के लिए राजस्थान टीम की तरफ से। वहीं आप बंगाल की तरफ से देखोगे तो बंगाल की तरफ से आपको गोस्वामी, ईश्वरना ओपन कर दिखाई देने वाले हैं। बाकी यहाँ से रमन है, मनोज तिवारी है, चटर्जी है, मजुमदार है, शहबाज अहमद है, नांदी हैं, डिंडा है, घोष हैं और ईशान पोरेल हैं। यही मेरे हिसाब से पॉसिबल 11 रहने वाला बंगाल की तरफ से। बाकी अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम आप अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहाँ पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं। वहीं अगर आप इस स्मॉल लीग में आज की इस मैच में किसी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो आप इन 4 में से 2 के साथ जाइएगा, क्योंकि इन्हीं 4 में से कोई 2 आपके अपोनेंट के पास भी एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन आपको दिखाई दे सकते हैं। जिसमें अगर आप बंगाल की तरफ से देखोगे तो यहाँ से गोस्वामी हैं, तिवारी हैं। वहीं अगर आप राजस्थान की तरफ से देखोगे तो राजस्थान की तरफ से आपको बिस्त और लोमरोर मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं 4 में से कोई 2 आपका आज की इस मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन हो। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेलते 6 टीम के साथ तो आप इन प्लेयर के साथ ग्रैंड लीग में भी जा सकते हैं, हो सके तो किसी न किसी टीम में इन किसी न किसी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना दीजिएगा, जिसे बंगाल की तरफ से अहमद हैं, पोरेल हैं, चटर्जी हैं। वहीं अगर आप राजस्थान की तरफ से देखोगे तो राजस्थान की तरफ से चहर है, तेजिंदर सिंह और मनेरिया हैं।
चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्या हो सकती है मैं ड्रीम11 टीम। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो मैंने यहाँ से एक विकेट कीपर को लिया जो कि बंगाल की तरफ से इस गोस्वामी को मैंने पिक किया हुआ है जो कि आज के समय में आपको ओपन कर दिखाई देने वाला है बंगाल की तरफ से। आपके पास यहाँ शानदार ऑफ सी 20 तक का और दूसरा महेंद्र सिंह का जो कि दोनों आपको आज के समय में राजस्थान की टीम की तरफ से ओपन कर दिखाई देने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन में तीन बैट्समैन को पिक किया हुआ है, मैंने ऐसे पिक किया ए ईश्वरनाव जो कि वन डाउन आएंगे बंगाल की तरफ से, मैंने ऐसे पिक किया मेनरिया को जो कि राजस्थान की तरफ से आप लगभग 4 से 5 नंबर पर खेलते दिखाई देने वाले हैं। मैंने यहाँ से एक गुप्ता को पिक किया जो 6 नंबर पर खेलेंगे राजस्थान की टीम की तरफ से। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ से और ऑप्शन देखना चाहोगे तो आप बस यहाँ से शानदार ऑप्शन मजुमदार का पिन के साथ जा सकते हैं, बाकी का जो बैटिंग पोजीशन है काफ़ी नीचे है आप चैनल के साथ जा सकते हैं। आप बस इस मॉली के लिए एक अच्छा ऑप्शन चटर्जी का जो कि आपको 4 से 5 नंबर पर बंगाल की तरफ से खेलते दिखाई देंगे, काफ़ी अच्छे बैट्समैन अगर इनका चांस मिलता है तो आपके लिए अच्छे खासी स्कोर करके दे सकते हैं फ्रेंड्स, आप चाहे इनको पिक कर सकते हैं। बाकी इस मॉली के लिए और आप बस उतने से पिक नहीं है, आप यहाँ से कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ए रमन को ट्राई कर सकते हैं बंगाल की तरफ से। वहीं अगर आप राजस्थान के तरफ किसी को पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ सलमान खान को पिक कर सकते हो जो कि आज की समय पर आपको 4 नंबर पर खेलते तो दिखाई देने वाले हैं। ऑलराउंडर्स में तो ऑलराउंडर को पिक किया हुआ है, मैंने यहाँ से पिक किया मनोज तिवारी को जो 4 से 5 नंबर पर आपको बंगाल की तरफ से खेलते तो दिखाई देने वाले, साथ ही अपने कोटे का 3 से 4 और बॉलिंग कराकर भी दे देंगे। मैंने यहाँ से लोमडोर को पिक किया जो कि आज की समय में आपको 4 नंबर पर से और खेलते दिखाई देने वाले हैं, साथ ही अपने कोटे का 5 से 6 ओवर आप बॉलिंग कराकर भी दे देंगे। बाकी फ्रेंड्स बॉलिंग सेक्शन में 5 बॉलर को लिया हुआ है, मैंने यहाँ से लिया है डिंडा को, खलील अहमद को, राहुल चहर को, मैंने यहाँ से लिया आई पोरेल को और मैंने यहाँ से पिक है फ्रेंड्स सबाज अहमद को जिन्होंने पिछले मैच में 100 रन बनाए थे। फ्रेंड्स आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, आपको बैट और बॉल दोनों के साथ आपको आज की इस मैच में अच्छा करके देने वाले हैं। अगर आप यहाँ से किसी और को पिक करना चाहते हैं तो आपके पास शानदार ऑप्शन दीपक चहर का पिन के साथ जा सकते हैं। बाकी नीचे से आप यहाँ से नंदी के साथ जा सकते हैं, इस घोष के साथ जा सकते हैं, दोनों आचिस में जो आपको खेलते दिखाई देने वाले हैं आप शायद इन प्लेयर ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स इस मोहाली के लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है ए दीप का, आप इनके साथ जा सकते हैं जो कि बैट और बॉल दोनों के साथ आपको अच्छा करके दे सकते हैं। अगर आप बंगाल का तो किसी को ट्राई करना चाहते तो आप यहाँ से आकाश दीप को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम है जिसमें गोस्वामी है, ईश्वरना है, मिनारिया है, गुप्ता है, यहाँ से लोमरोन है, तिवारी है, डिंडा है, पोरेल है, अहमद है, खलील अहमद है और राहुल चहर है। ये हमारा फाइनल टीम रहने वाला है आज की इस मैच के लिए, बाकी को कोई भी चेंजेस होता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। हम हमें जो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर बता देंगे कि हम जो किस कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाने वाले हैं। हमने अपना जो चॉइस है आपको हमारे इस रूम बता ही चुके हैं। अगर आप माई फेवरेट खेलते हैं तो आप इसी टीम के साथ माई फेवरेट पर भी जा सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रीम11 टीम के साथ में।